अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड, अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 इज। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10 लाख एग्जिस्टिंग में। करेंटली इट इज़ अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ ₹60 लाख। तो प्री टैक्स प्रॉफिट कितना कमा रहा है ये, 60 लाख। द कंपनी शेयर आर लिस्टेड एंड आर कोटेड इन द रेंज ऑफ 50 to 80। तो शेयर प्राइस कितना से 50 से 80 तक हो सकता है। द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डाइवर्सीफाई प्रोडक्शन एंड हैज़ अप्रूवल अ प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट ऑफ 50 लाख एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ प्री टैक्स इनकम इज 40 लाख। प्री टैक्स इनकम ऑफ ₹40 लाख पर एनम। टू रेज एडिशनल फंड, एडिशनल कैपिटल, द फॉलोइंग ऑप्शन आर अंडर कंसिड्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसके पास ऑप्शन कितना है, 3 ऑप्शन है। सबसे पहले इस सम्स में क्या चीज़ दे रखा हुआ था, सम्स में कि टोटल कैपिटल कितना था, 100 लाख का, जिसमें 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज था। प्री टैक्स प्रॉफिट कितना था, 60 लाख। तो EBIT कंपनी का कितना हो गया, 60 लाख। ये था एग्जिस्टिंग का। कंपनी का लिस्टेड है, शेयर लिस्टेड है 50 to 80 के रेंज में। 50 to 80 के रेंज में कंपनी का शेयर लिस्टेड है। मैनेजमेंट चाहता है कि डाइवर्सिफाई करना अपना प्रोजेक्ट, जिसके लिए कितना लगेगा पैसा, 50 लाख, जिसके लिए 50 लाख पैसा लगने वाला है, और उसके वजह से 40 लाख एक्स्ट्रा अर्निंग होगा। उसके वजह से 40 लाख क्या चीज़ होगा, एक्स्ट्रा अर्निंग होगा। इसके पास 3 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, टू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द इंटायर एडिशनल अमाउंट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यू शेयर फेस वैल्यू ऑफ ₹10 कैन बी सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15। तो ये कितना हो गया, फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम कितना है चार्ज करेगा, 15। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15, 25। तो हम लोग रेज कितना में कर सकते हैं, 25% रेज कर सकते हैं। टू इशू 16% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ₹100 इज फॉर इंटायर अमाउंट। तो हम लोग क्या चीज़, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर 16% के रेट से, कूपन रेट से हम लोग रेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अल्टरनेटिव ये है। थर्ड ऑप्शन में क्या चीज़ है, टू इशू इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹50 25 लाख। तो 25 लाख क्या चीज़ इशू करेगा, इक्विटी एंड 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ बैलेंस अमाउंट। और बाकी जो हो गया 25 लाख, वो कहाँ चीज़ है, 16% कन्वर्टेबल डिबेंचर से करेगा। इन दिस केस द कंपनी कैन रेज शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 40। तो कंपनी का शेयर का प्रीमियम कितना हो जाएगा, 40। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम 40 है, तो कंपनी का शेयर का प्राइस कितना आ जाएगा, 50। इस केस में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यू आर आस्क्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट एज टू हाउ द एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड, कीपिंग इन माइंड दैट मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर टू मेंटेन इट्स गुडविल। द कंपनी इज पेइंग इनकम टैक्स एट 50%। तो सम्स में क्या क्या चीज़ दे रखा हुआ था, एडजस्टिंग EBIT दे रखा था, एडजस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा हुआ था, कंपनी को कितना पैसा चाहिए, 50 लाख। तो वो 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें EBIT अगर मतलब एडिशनल जो मतलब प्रोजेक्ट एडिशनल करेगा तो उसके लिए EBIT कितना आ जाएगा एक्स्ट्रा में, 40 लाख। 3 अल्टरनेटिव है, 3 ऑप्शन। पहला है कि सारा इक्विटी शेयर से ले ले, दूसरा ऑप्शन है सारा डेप्ट से ले ले 16% डेप्ट से, थर्ड में है कि 50% ले ले डेप्ट से, 50% इक्विटी से, मतलब 25 लाख का ले डेप्ट से, 25 लाख का क्या चीज़ से ले, इक्विटी। तो फर्स्ट केस में जब मतलब सारा इक्विटी से लेगा तो उस टाइम में इक्विटी शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 25, 10 प्लस 15। और सेकेंड टाइम में कितना हो जाएगा प्राइस, 10 प्लस 40, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा और टैक्स कितना दे रखा है, 50। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट में क्या है, ऑल इक्विटी, दूसरा में क्या है, ऑल डेब्ट, डेब्ट का रेट कितना था, एट द रेट 16%, इसमें है 25 लाख का इक्विटी और 25 लाख का डेब्ट एट द रेट 16% का। इतना ही है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग में कितना था, यहाँ पे 10 लाख का था, कितने का था, 10 लाख का था। न्यू न्यू में कितना आ जाएगा, जब 50 लाख का हम लोग 50 लाख का इशू करेंगे, कितने का 50 लाख का हमको चाहिए पैसा, 50 लाख डिवाइड बाय कितने का हो जाएगा, कितने का एक शेयर आएगा, तो 25 का। कैसे 25 का, 15 प्रीमियम चार्ज कर रहा है और 10 फेस वैल्यू है, तो 25 का, तो इस टाइम में कितना आ जाएगा 2 लाख का, कितना आ जाएगा 2 लाख का। ये 2 लाख कैसे आया था, 50 लाख चाहिए डिवाइड बाय कितना किए, 10 प्लस 15 प्रीमियम, तो ये आ गया 2 लाख। यहाँ डेप्ट लेंगे तब तो बढ़ेगा नहीं, और सेकेंड टाइम में मेरे को चाहिए 25 लाख, और उस टाइम में कितना शेयर प्राइस जाएगा, 10 रुपीज़ तो फेस वैल्यू है और 40 क्या चीज़ था, प्रीमियम था, तो 25 डिवाइड बाय 50 तो 0.5 मतलब 50,000 आ गया। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया, इस टाइम में 12 लाख, इस टाइम में कितना आ गया 10 लाख, इस टाइम में 10.5 लाख, इस टाइम में कितना आ गया 10.5 लाख। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ईबीआईटी में एग्जिस्टिंग कितना है, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना था, 60 लाख, और न्यू ईबीआईटी कितना था, 40 लाख। तो टोटल ईबीआईटी कितना आ गया, हंड्रेड लाख। माइनस क्या चीज करते थे, इंटरेस्ट, फर्स्ट केस में तो इंटरेस्ट नहीं होगा, सेकेंड केस में इंटरेस्ट होगा, कितने का इंटरेस्ट होगा, 50 लाख हम लोग रेज कर रहे हैं जिसका इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है, 16%, तो 50 लाख का 16% कितना हो जाएगा, 8, कितना हो गया 8 लाख हो गया, कितना हो गया 8 लाख। सेकेंड के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, उस टाइम में 25 लाख हम लोग डेब्ट से कर रहे हैं, 25 लाख इक्विटी से, तो 25 लाख का 16%, तो 25 × 16%, तो इस टाइम में कितना आ गया, 4 लाख आ गया। तो ईबीटी कितना आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो इस टाइम में कितना आ गया, 100, यहाँ पे 92 और यहाँ पे 96, सब मतलब सारे अमाउंट क्या चीज़ में, रुपीज़ इन लैक। माइनस क्या चीज़ करते हैं, टैक्स करते हैं, टैक्स का रेट कितना, ब्रैकेट रेट कितना था, 50%, एट द रेट 50%, टैक्स एट द रेट 50%, तो यहाँ 50 हो गया, फिर 92 का हाफ, यहाँ 46, यहाँ 96 का हाफ, तो यहाँ 48, तो ये आ गया 50, ये आ गया 46, ये आ गया 48, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और यहाँ प्रेफरेंस शेयर तो नहीं है, यहाँ प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था फर्स्ट केस में, 12, सेकंड में 13, थर्ड में क्या था 10.5, तो 12, 10 और 10.5, तो ये क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर 50 / 12, तो 4.17 आ गया, यहाँ पे 4.6 आ गया, यहाँ पे 48 / 10.5, 4.57। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर है, तो हाइस्ट अर्निंग पर शेयर किस में है, अल्टरनेटिव टू में, हाइस्ट अर्निंग पर शेयर किस में है, अल्टरनेटिव 2 में 4.6, तो ये हम लोग का लिए क्या चीज हो गया, बेस्ट ऑप्शन हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 में चलते हैं, सहांजी स्टील लिमिटेड इज रिक्वायर्ड 25 लाख फॉर अ न्यू प्लांट, द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ₹5 लाख, तो ईबीआईटी कितना हो गया 5 लाख, अब पैसा कितना रेज करना है 25 लाख। वाइल डिसाइडिंग अबाउट द फाइनेंसिंग प्लान द कंपनी कंसिडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग अर्निंग पर शेयर, तो
जब फाइनेंशियल प्लान चूज करना है कि कौन सा किस तरह से हम लोग चूज करेंगे, तो उस टाइम में क्या चीज़ दे रखा हुआ है, मैक्सिमम जिसमें अर्निंग पर शेयर होगा उस तरह से प्लान को चूज किया जाएगा। इट हैज़ थ्री अल्टरनेटिव ऑफ फाइनेंस द प्रोजेक्ट बाई रेजिंग डेप्ट ऑफ 2,50,000। तो 2,50,000 कितना रेज कर सकता है, डेप्ट कर सकता है, दूसरा ऑप्शन में 10 लाख डेप्ट और तीसरा ऑप्शन में 15 लाख डेप्ट, और जितना बैलेंस बच गया तीनों ऑप्शन में वो क्या चीज़ से, इक्विटी शेयर से, जो बैलेंस बच जाएगा वो क्या चीज़ से रेज करना है, इक्विटी शेयर से रेज करना है। द कंपनी शेयर इज करंटली एट 1,150,000, करेंटली कंपनी का शेयर कितना है 150, बट एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस ऑफ फंड आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। अगर जब फंड 10 लाख से एक्सेस बोरो करेगा तो उसका शेयर प्राइस कितना आ जाएगा, 125। द फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू 2,50,000। फंड को 10 मतलब 10% 2,50,000 तक, एट द रेट 15% ओवर 2,50,000 अप टू 10 लाख, एंड एट द रेट 20% ओवर 10 लाख। तो हम लोग जैसे टैक्स में पढ़े थे ना, टैक्स में पढ़े थे कि अप टू 2,50,000 5% नील, उसके बाद कितना था 5%, इस तरह से पढ़े थे। इसी तरह से इसमें फंड का दे रखा हुआ है फंडा कि 10% होगा 2,50,000 तक, 15% होगा 2,50,000 से 10 लाख तक, और 10 लाख के ऊपर कितना जाएगा, 20% जाएगा इंटरेस्ट रेट। द टैक्स रेट अप्लीकेबल फॉर द कंपनी इज 50%। तो टैक्स रेट कितना है, 50%। विच फॉर्म ऑफ द फाइनेंसिंग शुड बी सूट द कंपनी चूज, तो कौन सा फाइनेंसिंग इसको चूज करना है कंपनी को, ये चीज़ हम लोग को बताना है। तो चलिए बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 में क्या था, कंपनी को सबसे पहले कितना पैसा रेज करना था, 25 लाख। कितना पैसा रेज करना था, 25 लाख। तो 25 लाख में ऑप्शन 1 में क्या चीज बोला था कि डेप्ट ऑफ 2,50,000। तो डेप्ट कितना कर रहा है, 2,50,000। तो ऑप्शन 1 में डेप्ट कितना आ गया, 2,50,000। तो इक्विटी कितना हो जाएगा, बैलेंस, इक्विटी कितना हो जाएगा, बैलेंस। तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 25 लाख माइनस 2,50,000। तो बैलेंस कितना आ गया, 22,50,000। तो ये क्या चीज़, इक्विटी। कंपनी को रेज करना था 25 लाख, जिसमें डेप्ट कितना रेज किया, 2,50,000। तो इक्विटी कितना रेज करेगा, 22,50,000, 25 लाख माइनस 2,50,000, ये हो गया। ऑप्शन 2 में डेप्ट कितना कर रहा था रेज, 10 लाख। तो जब 10 लाख डेप्ट रेज कर लिया तो बाकी इक्विटी, तो बाकी इक्विटी कितना हो गया, 15 लाख। इक्विटी कितना हो गया, 15 लाख। थर्ड में क्या चीज, डेप्ट 15 लाख यूज रेज कर रहा है, तो इक्विटी कितना रेज करेगा, 10 लाख, ये हो गया। अब अर्निंग ईबीआईटी, ईबीआईटी सम्स में कितना दे रखा हुआ था, 5 लाख। तीनों केस में 5 लाख कमा रहा था, तो 5 लाख ईबीआईटी आ गया। माइनस क्या करते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फर्स्ट केस में कितना था, 2,50,000 रेज किया था, तो 2,50,000 के लिए कितना परसेंट रेट था, तो 10% अप टू 2,50,000, तो 10% हो जाएगा, तो 2,50,000 का 10%, तो ये कितना आ गया, 25,000। ये ऑप्शन 1 के लिए था। ऑप्शन 2 में 3 लाख रेज कर रहा है, ऑप्शन 2 में कितना लाख, 10 लाख, तो 2,50,000 तक, तो 10% से चलेगा, और 2,50,000 से कितना एक्स्ट्रा रेज किया, तो 7,50,000। जब डेप 10 लाख रेज किया हुआ है तो अप टू 2,50,000 तक तो 10% था, और उसके बाद 2,50,000 से 10 लाख तक कितना परसेंट था, 15% था। हाँ, 2,50,000 से 10 लाख तक 15% था, तो बाकी कितना पैसा बचा, 7,50,000, तो उसका कितना परसेंट ले लेंगे, 15%।
तो ये कितना आ गया, 2,50,000 का 10% आ गया 25,000 एम प्लस, और 7,50,000 का 1,37,500। तो ये दूसरा में ऑप्शन में कितना आ गया, 1,37,500, 1,37,500 डेबिट आया। ये कैसा है एक बार फिर से, अप टू 2,50,000 तक का रेट कितना था, 10%, 2,50,000 टू 10 लाख तक का कितना था, 15% रेट था, और एबव 10 लाख कितना दे रखा हुआ था रेट, 20%। ये था ना रेट। अब कंपनी कितना रेज कर रही है, 10 लाख, कंपनी कितना रेज कर रही है, 10 लाख। तो इस 10 लाख में सबसे पहले 2,50,000 तक, तो 2.5 लाख, तो अब बचा कितना, 7.5 लाख। तो ये 7.5 लाख किस रेट से जाएगा, 15% से, और ये 2.5 लाख कितना रेट से जाएगा, 10% से। तो इसलिए यहाँ पे 2,50,000 को 10% से लिए, 7,50,000 को 15% से लिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऑप्शन थ्री के लिए, ऑप्शन थ्री में कितना रेज कर रहा है डेब्ट, 15 लाख। ऑप्शन थ्री में कितना रेज कर रहा है, 15 लाख। तो सबसे पहले 2,50,000 किसके रेट से, किस रेट से आ जाएगा, तो 2,50,000 किस रेट से आ जाएगा, 10% के रेट से। बाकी 10 लाख तक कितना परसेंट था, 15% तो बाकी 10 लाख में कितना आया, 7,50,000। तो ये कितना परसेंट से, 15% से, तो और बाकी कितना बच गया, 5 लाख। 10 लाख के ऊपर कितना है, 5 लाख, तभी तो 15 लाख हुआ ना। वो किस रेट से जाएगा, 20% से। वो किस रेट से, 20% से। तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 2,37,500, 2,37,500 माइनस कर दिया, तो क्या चीज़ आया, ईबीटी। माइनस करने से क्या चीज़ आ गया, ईबीटी। ईबीटी कितना आता है इस टाइम में, 2,50,000, यहाँ पे 5 लाख माइनस 1,37,500, तो ये आ गया 3,62,500। यहाँ 5 लाख माइनस 2,37,500, तो ये कितना आ गया, 2,62,500 माइनस टैक्स। टैक्स का रेट क्या चीज़ था, 50% में, टैक्स एट द रेट 50%, टैक्स एट द रेट 50%। तो यहाँ पे 1,25,000 आ गया, यहाँ पे 1,31,250, और यहाँ पे 3,62,500 डिवाइड बाई 2, 1,81,250। ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रिफ्रेंस शेयर तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या चीज़ कर देंगे हम लोग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर 22,50,000 का रेंज क्या है, डिवाइड बाय करंटली कितना में कोटेड हो रहा था, 150 में, तो डिवाइड बाय 150। तो ये कितना आ गया इस टाइम में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 15,000। ये कैसा है 15,000, तो 22,50,000 डिवाइड बाय 150। ये ऑप्शन वन के लिए। ऑप्शन टू के लिए कितना आएगा, कितना रेज किया हुआ है इक्विटी शेयर, 15 लाख, 15 लाख इक्विटी शेयर। तो ये 15 लाख डिवाइड बाय 150, तो 15 लाख डिवाइड बाय 150। तो इस टाइम में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया, 10,000। ऑप्शन थ्री में, इसमें हम लोग को सोचना है, यहाँ क्या बोला हुआ था, करेंटली सेलिंग एट 150, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन
125 इन केस ऑफ फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। जब फंड्स 10 लाख से ज़्यादा बोरो कर रहा है तो उस टाइम में मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन में फंड क्या 10 लाख से तो ज़्यादा बोरो हुआ है ना, इस दोनों केस में तो अप टू 10 लाख तक है। इस दोनों केस में फंड अप टू 10 लाख, मतलब यहाँ पे 2,50,000, यहाँ पे 10 लाख, तो अप टू 10 लाख तक हो गया। और यहाँ पे एक्सेस ऑफ 10 लाख है, तो इस टाइम में शेयर का प्राइस कितना हो जाता है, 125। इस टाइम में शेयर का प्राइस कितना है, 125। तो इस टाइम में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाय 125। तो 10 लाख डिवाइड बाय 125 कितना आ गया, 8,000। कितना आ गया, 8,000। तो अर्निंग पर शेयर क्या चीज होगा, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो 1,25,000 डिवाइड बाई 15,000, तो 8.33। नहीं 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 सॉरी सॉरी, यहाँ पे इंटरेस्ट था 25,000 था, तो ये आ गया 5 लाख माइनस 25,000, 4,75,000, $2,37,500। तो 2,37,500 डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 15,000। तो 15.83 हो गया। फिर 181,250 डिवाइड बाय 10,000, तो ये आ गया 18.13। या 131,250 डिवाइड बाय 8,000, तो ये आ गया 16.41। तो किस टाइम में मैक्सिमम है शेयर प्राइस, तो अल्टरनेटिव टू में शेयर प्राइस क्या चीज़ है, अर्निंग पर शेयर क्या चीज़ है मैक्सिमम है, तो ये हम लोग के लिए क्या चीज़ होगा, बेस्ट प्लान होगा।